की थी जो कि स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हैं एंड दी बेनिफिशरीज ऑफ दिस कैंप. तरफ से यहाँ आए सभी मेहमानों का दिल की गहराई इन स्पेशली एबल्ड पर्सन्स की सेवा करने का, और ये हम इसे अपनी खुशनसीबी समझते हैं. ये कैंप 11 नवंबर को इनॉग्रेट हुआ था, जिसकी इनॉग्रेशन कमांड ब्रिगेडियर मनीष गुप्ता द्वारा की गई थी, और ये 4 डेज कैंप है जिसकी क्लोजिंग हम कल के दिन यानी कि 14 नवंबर को करेंगे. रिक्वेस्ट करूंगी हेमंत जी से कि प्लीज वो स्टेज पर आए. आज मैंने देखा कि इन्होंने इंश्योर किया कोई 20 मरतबा टेलीफोन करके कि मैं आ रहा हूं, तो मैं यहां पहुंच करके महसूस करता हूं कि ये सही ठिकाना था और सही लोग हैं जिनके साथ आकर के बैठने का मौका मिला. जिंदगी बहुत तेजी से गुजर जाती है, और उस जिंदगी में अगर कोई इंसान किसी के दुख दर्द को बांट लेता है तो मैं समझता हूँ कि वो जिंदगी उसकी कामयाब हो जाती है. और जो लोग हमारे स्पेशली एबल्ड हैं, किसी न किसी तरह से उनके कोई लिम्स में प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी कम हो गई, और जो कोई संस्था कोई इंसान जब उनकी मदद करता है असिस्ट करता है उनकी एफिशिएंसी रेस्टोर करने में, मैं समझता हूँ कि इससे बढ़ के इस दुनिया के अंदर कोई बेहतर काम हो नहीं सकता है. और जिस खलूस से और जिस सिंसेरिटी सता रहे इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तैक हैं, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो किसी के दुख को कम करने वाला है, दर्द को कम करने वाला है. और मैं समझती रहे तो जो लोग किसी तकलीफ की वजह से जो है वो परेशान है, तो ब्रिगेड यकीनन यहाँ पर मैंने देखा शहर के साथ एक बहुत अच्छा एक इनका लाइजान है, और जब भी कोई सिविल सोसाइटी से उनको अप्रोच कर हमेशा मदद करते हैं. तो मैं ग्रीटिंग्स जो है वो 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड को भी दे. और जगबीर जी जिस दीनदारी से जिस खलूस से और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि एक इंसानियत का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बगैर किसी लालच के, तो ये अपने आप में एक बड़ी बहुत बड़ी बात है. और जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने फरमाया यहाँ पर कि उन्होंने आने में लेट किया लेकिन दुरुस्त आमद हुई, तो मैं भी अपने बारे में कहूंगा कि वाकई दुरुस्त आमद थी. और मैं इंश्योर कि मेरे पेरेंट्स भी आए हैं, उनको भी भेजूं, वो भी देखेंगे किस लिहाज से और कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर मजदूरों की जो है उनकी रहनुमाई के लिए और खास करके उनकी खिदमत के लिए यहाँ पर जो लोग सर्विस कर रहे हैं, जो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, वो इसको कैसे अंजाम देते हैं और कैसे उसको उनके लिम्स को वाकया उनको दूसरी जिंदगी जीने के लिए जो तहफ़ फरमा रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में. और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा ब्रिगेड 93 का, वो भी सर भी अभी यहाँ पर आ गए. एंड आई एम पर्सनली आई अपोलोजाइज टू हिम बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज बिकॉज ऑफ busy schedule I could not attend those functions which were just completed, but I'm thankful sir ki aapne yahan pe bulaya, mujhe mauka diya logo se interact karne ka. aur kahe bagaya bhi kuch din pehle hi ek Mahavir Foundation ki taraf se shayad abhi Dashnami Akhade mein bhi ek function hua tha, wahan bhi mazdooron ke liye kiya gaya tha. to hum conflict zone jo hamara hai, conflict state jise hum kehte hain ki do mulkon ke beech mein aapsi ranjishain jo, kyunki kisi ka limb toota hona, kisi ke upar aapne dependence hona aapki, बहुत बड़ी कमजोरी होती है अपने आप में कि आप सोचते हैं कि भाई किसी की इंतजार के बगैर आप अपने पाँव पर अपने हाथों से अपने पाँव से आगे देखो बेटा उधर देखो उधर सामने देखो आप फोटो साहिल कासम साहिल बिलाल अहमद जो जो सुमेरा यासी अमनदी नजाकत अली मोहम्मद इकलाक मीर मोहम्मद आओ आ गया एक मिनट आओ 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 होगी थोड़ा इधर आओ इधर लगी जाओ इधर लगी आओ इधर आओ थोड़ा छोड़ दो
ट्रस्ट की तरफ से एक आर्टिफिशियल लिम डिस्ट्रीब्यूशन का आज जो यहाँ पे फंक्शन हुआ है इन कोलैबोरेशन विद 93 ब्रिगेड एंड टू नागा कर्नल भूपिंदर साहब और साथ ही साथ जगबीर जी और उनके साथ में हमारे कपूर साहब और जो भी यहाँ पर जम्मू से दिल्ली से टीम आई हुई है मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इसके जो माजूर हैं और स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं उनकी एक खुशहाली के लिए उनके पूरे आयाल के लिए और उनकी अच्छी तरीके से अभी प्राइड ज़िंदगी बसर करने के लिए जो एक बड़ा मौका इन्होंने फराहम किया है मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ कि एक बहुत नेक और बहुत इंसानियत वाला काम ये कर रहे हैं तो और अपने आप को मैंने बड़ा ये पाया कि मैं धन्य हो गया कि यहाँ पर आया और इन लोगों का काम देखा कि जिस तरीके से इन लोगों की हेल्प के लिए खास करके मजदूरों के लिए जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम है।